नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जयपुर एयरपोर्ट पर 16 लाख रुपए की कीमत का सोना पकड़ा गया। वह सोना दुबई से फ्लाइट में तस्करी कर लाया गया। करीब 347 ग्राम सोने को यात्री ने रेडियो की बैटरी में छुपा रखा था। कस्टम आयुक्त ML शेरा ने बताया कि पकड़ा गया यात्री शाहिद अली सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ तहसील का रहने वाला है। वह मंगलवार रात को दुबई से फ्लाइट में जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां मौजूद कस्टम विभाग के कर्मचारियों की चेकिंग देखकर वह सकपका गया। संदेह होने पर कस्टम विभाग ने शाहिद अली के सामान को बारीकी से चेक किया। तब उसके ट्रॉली बैग में रखे रेडियो को खोलकर देखा गया। इसमें करीब 2 इंच लंबाई वाली 2 स्टील की ठोस छड़े बरामद हुई, जो कि नीले रंग के टेप में लिपटी हुई थी। इन दोनों को काट कर देखा तो स्टील की ट्यूब में ठूस कर रखी हुई सोने की 2 छड़े बरामद हुई। इस गोल्ड को कस्टम एक्ट की धारा 110 के तहत जब्त किया गया है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। अब 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चित्तौड़ और आपू रोड का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। पूरे प्रदेश में बाजार अब रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे। पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे था और नाइट कर्फ्यू का समय 11 बजे तय किया था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के बाद अब सख्ती बढ़ाते हुए समय को और कम कर दिया गया है। 8वीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला जल्द कलेक्टर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। राजधानी जयपुर समेत कोरोना प्रभावित 10 शहरों में सख्ती लागू की जाएगी। राजस्थान में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मंगलवार शाम उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर अचानक आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं ने गले मिलकर गर्मजोशी के साथ एक दूसरे का स्वागत किया, एक दूसरे का हालचाल जाना, हंसी ठिठोली भी की। फोटो में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी नजर आ रहे हैं। गले मिलने के दौरान वे दोनों नेताओं को पीछे से देख रहे थे। सचिन और शेखावत की गले मिलने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत को समझने वाले कह रहे हैं कि दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं। आगे चलकर ये राजस्थान की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकते हैं। राज्य के जयपुर, शेखावाटी सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी से बुधवार को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार शाम को 1-2 घंटे के लिए कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है, लेकिन मंगलवार जैसी तेजी नहीं रहेगी। अगले 2 दिन में तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकेगी। मौसम विभाग ने बुधवार को बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। शेष स्थानों पर कोई चेतावनी नहीं है। 4 अप्रैल तक मौसम को लेकर कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि लू का प्रकोप बना रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। जम्मू कश्मीर स्थित इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स पोलो ग्राउंड श्रीनगर में युवा व खेल मंत्रालय भारत सरकार के HRD स्कीम के अंतर्गत इंडियन पेन चौक सिलाट फेडरेशन द्वारा 20 से 24 मार्च तक आयोजित एडवांस कोचिंग कोर्स लेवल 2 में जयपुर के रवि मीना पास आउट बने। राजस्थान पेन चौक सिलाट एसोसिएशन के डायरेक्टर श्री दिनेश बांगर ने बताया कि 9वीं नेशनल पेन चौक सिलाट चैंपियनशिप 2020-21 का आयोजन 24 से 31 मार्च तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मास्टर, सीनियर, जूनियर, सभी जूनियर तथा प्रोटीन कैटेगरी के 600 से अधिक मेल फीमेल एथलीट ने भाग लिया। राजस्थान टीम के कोच नवनीत राजौरिया और निर्मल वर्मा ने बताया कि 35 से 40 किलो में प्रिंस को गोल्ड, जूनियर वर्ग के 50 से 55 किलो में बजरंग को ब्रॉन्ज, 70 से 75 किलो में अभिषेक मीणा को ब्रॉन्ज और 80 से 85 किलो में गजेंद्र को सिल्वर मेडल और फरदीन को सिल्वर मेडल मिला। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में पवन राज, हंसराज, अदिति, अनुजा, मोनिका मिहिर आदि को राजस्थान के सेक्रेटरी श्री विष्णु ने उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए मनोबल बढ़ाया, साथ ही प्रसन्नता भी जताई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।